नौजवान दोस्तों का, किसान मजदूर भाइयों का, दुकानदार साथियों का, और जहां तक हमारी पहुंच रही है बेगूसराय और हमारे पड़ोसी जिले से कुछ आए हैं समस्तीपुर से, आप सभी देशवासियों का हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ आपको। जय भीम और लाल सलाम। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कोई दिक्कत नहीं, हम आपके बीच जनसंवाद करने के लिए आए हैं। स्वाभाविक बात है, चुनाव का वक्त है और चुनाव के दौरान कार्यक्रम का स्वरूप कुछ भी हो, अंततः जो है बात वोट हमें दीजिएगा इस पर ही खत्म होती है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ना मैं इस बात से अपनी बात शुरू करूँगा, ना इस बात पे अपनी बात खत्म करूँगा कि आप मुझे ही वोट दीजिए। मैं समझता हूँ कि आपको जिसको वोट देना है दीजिए, वो आपका अधिकार है। इस लोकतंत्र में, इस जमहूरियत में, संविधान की इस व्यवस्था में, इस लोकतंत्र में, इस जमहूरियत में वोट आप किसको देंगे वो आपका व्यक्तिगत अधिकार है, वो आपका निजी मामला है। आप जिसको ठीक समझें, जो आपको ठीक लगे, जिसकी विचारधारा से आप सहमत हों, जिस पर आप भरोसा जता पाए, उसको आप अपना वोट दीजिए। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है, बस मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि मेरे साथ नेता जैसा बर्ताव मत कीजिएगा, क्योंकि मैं नेता टाइप आदमी नहीं हूँ। ना मैं वेशभूषा से नेता लगता हूँ और ना मुझे आज के नेताओं की जो हरकत है वो पसंद है। इसीलिए ना मेरे साथ आप नेता जैसा बर्ताव कीजिएगा और ना मैं आपका नेता बनने का प्रयास करूंगा। मैं समझता हूँ कि बेगूसराय की धरती पे जन्म हुआ है, आप हमारे अभिभावक हैं और बेगूसराय की मिट्टी का मैं बेटा हूँ, नेता नहीं हूँ। मैं ये बात कह रहा हूँ, और जब मैं बेटा हूँ तो फिर वोट मत दीजिए, बस आशीर्वाद दे दीजिए, यही काफी है। फिर ये भी सवाल आएगा कि फिर जनसंवाद आज ही करने के लिए क्यों आए। तो इस संबंध में मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, बस आपको याद दिला रहा हूं। आप में से शायद कुछ लोग उस दिन भी होंगे वहां मौजूद जब मैं नवीन वस्त्रालय के सामने भाषण देने के लिए आया था। हाँ, उस वक्त इतनी भीड़ नहीं थी, लोग मुझे पहचानते नहीं थे, लेकिन उस दिन भी कुछ लोग भाषण सुनने के लिए आए थे। ये वो वक्त है 2015 का, जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था और मैं बिल्कुल ताजा तरीन नया नया JNU का प्रेसिडेंट बना था। तो हफीज साहब चुनाव लड़ रहे थे, जो आपके ADM थे, तो उनके चुनाव प्रचार में मैं यहाँ आया था और नवीन वस्त्रालय मुझे आज भी याद है, वहाँ पर भाषण लेकर के गया था। वो बात पुरानी हो गई है, वो बात किसी को याद नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो उस कन्हैया कुमार को जानते हैं, जिसका अस्तित्व TV, कैमरा, चमक दमक, मोबाइल, सेल्फी, इससे अलग एक पहचान, इससे अलग एक सच्चाई, उससे बहुत कम लोगों का वास्ता हुआ है। बुनियादी तौर पे वही वास्ता आपसे स्थापित करने के लिए आया है जनसंवाद के कार्यक्रम में। आपने मोबाइल में देखा होगा, TV में देखा होगा, अखबार में जब छपी होगी, कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ लोगों को बुरा लगा होगा, कुछ लोग हमारे पक्ष में खड़े हुए होंगे, कुछ लोग हमारे विपक्ष में खड़े हुए होंगे। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे देशभक्त कन्हैया, कुछ लोगों को देशद्रोही लगता है कन्हैया, ये अपना अपना विचार है। मैं समझता हूं कि ये पूरी सच्चाई नहीं है। वो पूरी सच्चाई क्या है, हमारे मन में चल क्या रहा है, हम क्या करना चाहते हैं, ये बिल्कुल आमने सामने बात हो, TV मीडिया के माध्यम से नहीं,
मोबाइल यूट्यूब और अखबार के माध्यम से नहीं, बिल्कुल आंख से आंख मिलाकर कहते हैं कि आंख झूठ नहीं बोल पाता है और आंख का रास्ता दिल तक पहुंचता है। तो बिल्कुल आमने सामने खड़े होकर हाथ छू करके देख लीजिए, हम भी आपकी तरह इंसान हैं। और जिन तकलीफों का सामना आज आप बेगूसराय में कर रहे हैं, उन्हीं तकलीफों में हम पले बढ़े हैं, उन्हीं समस्याओं से होकर उन्हीं अच्छाई और बुराइयों को जीते हुए दिल्ली गए पढ़ने के लिए। कठिनाई जो भी रही हो उसका हम रोना नहीं रोना चाहते हैं। कहते हैं ना, कमठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खुखर। तो मुझे रोना नहीं रोना है, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली हम पढ़ने के लिए गए थे और आप जो टैक्स का पैसा देते हैं जनता को, जनता का जो टैक्स का पैसा है, सरकार को जो आप टैक्स देते हैं अलग अलग माध्यम से, उस टैक्स के पैसे से ही हमने पढ़ाई की है। और परिस्थिति जो भी रही हो उस परिस्थिति का सामना करते हुए अपनी पीएचडी पूरी करके जब आए थे नवीन वस्त्रालय के सामने 2015 में भाषण देने के लिए, तो सिर्फ कन्हैया कुमार थे। आज डॉक्टरेट की उपाधि लेकर के डॉक्टर कन्हैया कुमार बन करके आए हैं। कुल मिला के मामला यह है कि आपका नमक खाए हैं, आपके नमक के बदौलत हमने अपनी पढ़ाई लिखाई की है। हम आपको ये आश्वासन तो नहीं दे सकते हैं, हमारे पास फेंकने को कोई जुमला नहीं है, कोई वादा नहीं है कि हम आपका जो है जीवन बदल देंगे, हम आपका मुस्तकबिल लिखेंगे, हम आपका भविष्य बदल देंगे, ये सब कहने के लिए मेरे पास नहीं है। लेकिन ये बात मैं जरूर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम आपका नमक खाए हैं, जब तक रगों में खून दौड़ता रहेगा नमक हरामी नहीं करेंगे, नमक अदायगी जरूर करेंगे। और जब भी कोई इंसान मुझे कुछ कहता है, देशद्रोही है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग का है, पाकिस्तान का समर्थक है, तो जो मुझे सपोर्ट करते हैं एक्चुअली वो मुझे नहीं सपोर्ट करते हैं, वो इस मिट्टी की जो सच्चाई है उस भरोसे को वो कायम रखते हैं। आप मेरे ऊपर शक करते हैं, कीजिए, आपका कोई राजनीतिक एजेंडा है आप वो राजनीतिक एजेंडा चलाइए, मुझे गलत साबित करके आप प्रधानमंत्री की नाकामी को छुपा करके उनको सही साबित करना चाहते हैं वो कीजिए। आप किसी झंडे का किसी पार्टी का पैसा ले रहे हैं और इसलिए मोदी मोदी कर रहे हैं, आप कीजिए, उससे हमको तकलीफ नहीं है। लेकिन जब आप अपने ही मिट्टी के एक बच्चे को देशद्रोही कहते हैं, तब आप अपनी ही परवरिश को गाली दे रहे होते हैं, अपने ही नमक को गाली दे रहे होते हैं, अपने ही संस्कार को गाली दे रहे हैं। और ये बात मैं देश के किसी हिस्से में जाकर के नहीं बोलता हूं, मैं बेगूसराय में इसलिए बात बोल रहा हूं कि बेगूसराय मेरा घर है और बेगूसराय के लोगों ने बहुत कुछ झेला है। जब आप जाते होंगे बस में, ट्रेन में, बाहर कमाने के लिए गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, तो कोई पूछता होगा कि कहाँ घर है, कहते होंगे बेगूसराय। तो जब वो सामने से पलट करके ये कह देता होगा कि अच्छा वही देशद्रोही कन्हैया अभी का यहाँ का है, तो आपको सुन के बुरा लगता होगा, आपको सुनकर के बुरा लगता होगा और आप बहुत अपमानित महसूस करते होंगे। इसलिए आप सोचिए कि यह अपमान सिर्फ मेरा नहीं है, यह अपमान आप लोगों का है, यह अपमान बेगूसराय की मिट्टी का है। और हकीकत क्या है, हकीकत यह है कि हम आज आपके सामने खड़े हैं, पढ़ने के लिए गए थे, अपनी पढ़ाई पूरी करके आए हैं,
और मोदी जी की तरह अपनी डिग्री दिखाने से मना नहीं करेंगे। चौक चौराहा कहिएगा तो फोटो स्टेट करवा के लेंगे। आखिर ये आरोप क्यों पढ़ा जाता है, यह आरोप क्यों लगाया जाता है? यह आरोप इसलिए लगाया जाता है कि इस आरोप के शोर में जनता के सवाल को दबा दिया जाए। मान लीजिए एक मिनट के लिए कि मेरे ऊपर आरोप है देशद्रोही होने का, तो सरकार जिसके पास पुलिस है, कानून है, इतना बड़ा तंत्र है, तो मुझे पकड़ करके जेल में भी नहीं डाल देते। हम घूम कैसे जाएंगे, कैसे अलग अलग जगह जाकर के अपनी बात रखेंगे? इस आरोप के शोर में ये अपनी नाकामी को छुपा देना चाहते हैं। भारत पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो के बहस में, मंदिर मस्जिद के पैनल डिस्कशन के शोर में ये इस देश में 12,000 किसानों की आत्महत्या को भुला देना चाहते हैं। इस फर्जी लड़ाई के शोर में इस देश के नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, और ये आंकड़ेबाजी मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जब ये आंकड़ा मैं दे रहा हूं तो सरकार से कोई दिक्कत है, नहीं, ये हमारा तकलीफ है। आप सोच के बताइए कि कोई पकौड़ा बेचने वाला इंसान जो मेहनत से पकौड़ा बेच रहा है, अपने बाल बच्चों का परवरिश कर रहा है, उसका भरण पोषण कर रहा है, उसके आंख में एक सपना है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए भेजता है टाई लगा करके, जीता पढ़ना करके, और बच्चा पढ़ करके इंजीनियर बन करके इंजीनियर की डिग्री लेकर के आया है, तब देश का हुक्मरान कहे, देश की सरकार कहे कि पकौड़ा बेचना चाहिए, उस पकौड़े बेचने वाले के दिल पे क्या बीतेगा? आप सोच करके बताइए, क्या उसने अपने बच्चे को इंजीनियर इसलिए बनाया था कि वो पकौड़ा बेचे? अगर उसको पकौड़ा ही बेचवाना होता तो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता, कहता कि बैठो देखो कड़ाही में तेल कैसे डालते हैं और छन्ना से इसको कैसे छानते हैं, इसके लिए इंजीनियर बनने की जरूरत है। रोजगार का आलम यह है कि हिंदुस्तान में ऐतिहासिक तौर पे आज के डेट में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और दूसरी तरफ जो हमारे देश के सांसद हैं उनकी संपत्ति दोगुनी हो गई है। 153 सांसद, 543 में से 153 सांसदों की संपत्ति दोगुनी हो गई है, और मोदी जी कहते हैं कि वो चौकीदार है। बताइए भला ऐसा चौकीदार किस काम का, जागते रहो कहकर के आपको सुला दे और आपका सारा सामान चोरों को लुटा दे। ये अंबानी जी के दरवान हैं। दरवान क्या करता है? दरवान सामान की रक्षा नहीं करता है, दरवान गेट खोलता है, साहब जी बंद कर देता है, खोल देता है, और वो जिसकी दरवानी कर रहे हैं उसको एक दिन में 350 करोड़ का मुनाफा होता है एक दिन में। और नोटबंदी और जीएसटी के बाद इस देश की जनता की आमदनी आधी हो गई है, और ये सारे आंकड़े मैं इसलिए आपको दे रहा हूं कि अच्छे दिन के नाम पे, हमारे कंधों पे, हमारे बच्चों पे जो बुरा दिन थोपा गया है उसकी सच्चाई को हम समझ सकें। जब आप कहिए कि सरकार का एक काम गिना दीजिए, एक वादा बता दीजिए जिसको उन्होंने पूरा किया हो, तो हम सरकार के समर्थन में मोदी को कहने के लिए तैयार हैं, तो उसके समर्थक इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जब आप कहेंगे कि महंगाई क्यों कम नहीं हुई, तो इसके जवाब में कहते हैं तो नेहरू जी के समय में महंगाई कम थी क्या? अरे दोस्त, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सवाल नेहरू जी से पूछ रहे हो। अगर विपक्ष अच्छा से काम कर रहा होता तो वो विपक्ष में क्यों होता? वो तो सत्ता में होता ना। सत्ता में लोगों ने आपको क्यों बिठाया? क्योंकि लोग जो आज के विपक्ष हैं, जब वो सत्ता में थे
तो उनके काम से खुश नहीं थे, इसलिए तो आपको सत्ता में लेकर के आए। और जब आप सत्ता में आए हैं तब भी आप विपक्ष की तरह सवाल ही पूछ रहे हैं, तो आपको सवाल पूछने के लिए नहीं, सवाल का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री बनाया है। अल बल कुछ भी बोलते हैं, है हिम्मत। इस देश के किसी भी नौजवान के सवालों का जवाब इस देश का प्रधानमंत्री दे दे, है हिम्मत। आमने सामने आंख से आंख मिलाकर के बहस कर ले, हमारे ऊपर देशद्रोही का आरोप लगाते हैं, खुद जिनकी पार्टी अंग्रेजों की चापलूसी की है वो देशभक्त बने घूम रहे हैं, अपने मन में हम मिट्ठू, अपने मुंह से ही जो है अपने आप को मिट्ठू कह रहे हैं। मैं उनसे आमने सामने सवाल करना चाहता हूं कि क्या है देशभक्ति और क्या है देशद्रोह, क्या ये देशद्रोह नहीं है? एक तरफ जब किसान 12,000 आत्महत्या कर रहे हो, ठीक उसी वक्त अपने जान पहचान वाली कंपनी को बीमा देने का ठेका दिया जाता है और 12,000 किसानों की आत्महत्या के सामने बिना बीमा देने वाली उस कंपनी को 10,000 करोड़ का मुनाफा होता है, ये देशद्रोह नहीं है? ये देशद्रोह नहीं है कि आप वादा कुछ और करते हैं और आप देते कुछ और हैं? आप बाजार जाएं और किसी दुकान पे खड़ा होकर के कहिए उसको कि हमको कॉलगेट दे दो, वो आपको डाबर का लाल दंत मंजन पकड़ा देगा, खरीदिएगा? आपको वो वादा किया कि आपके खाते में 15,00,000 रुपया पहुंचाएगा और जनधन योजना के तहत खाता खुलवा करके आपके पास से 500-500 रुपया वापस ले लिया, आप उस पर भरोसा कीजिएगा? ये सवाल है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, इन सवालों को आज कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। और जो लोग इन सवालों को उठा रहे हैं उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। चिंता मत कीजिए, सिर्फ आपके बेटों को देशद्रोही कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। इस देश में वो पत्रकार जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहा है उसको भी देशद्रोही कहा जा रहा है, वो लेखक जो ईमानदारी से अपनी कलम को चला रहा है उसको भी देशद्रोही कहा जा रहा है, वो शायर जो इनके बराई में कसीदे नहीं पढ़ रहा समाज की सच्चाई में कसीदे पढ़ रहा उसको भी देशद्रोही कहा जा रहा है, वो फिल्मकार जो इनके लिए सिनेमा नहीं बना रहा समाज की सच्चाई को दिखा रहा उसको भी देशद्रोही कहा जा रहा है। मैं समझता हूँ देशभक्ति के नाम पर अगर देश का गला घोटा जा रहा हो, उसका विरोध करना यदि देशद्रोह है, तो आज के समाज में वो शाबाशी है, इस बात को आप स्वीकार करना चाहिए। मैं कहता हूं कि कुछ दिन इन्होंने ये फैलाने की कोशिश की कि मैं हालात का मोहरा हूं, तो मैंने इनको कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि मैं हालात का मोहरा हूं वो मुगालते में है, मैं हालात का मोहरा नहीं हूं, हमारे दिल में बगावत है। अगर आप हमारी बगावत को जो नाम देना चाहते हैं आप दे लीजिए, हमारा दिल जानता है कि इस देश की मिट्टी में हम पले बढ़े हैं, इस देश का नमक खाए हैं, इस देश की नमक की अदायगी करेंगे और नमक हरामों को सत्ता से बाहर करेंगे, वो हमारा संकल्प है, ये संकल्प हमने लेकर आए। हम इनको कह देना चाहते हैं, लगा लीजिए अपनी पूरी जोर, अपनी पूरी ताकत लगा लीजिए, पूरा का पूरा सरकारी महकमा आप खड़ा कर लीजिए, पूरा का पूरा मीडिया आप खड़ा कर लीजिए, यह पांव अंग कितना हमने जमा दिया है, यह पांव हिलने वाला नहीं है, तैयार है। और जब हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये लड़ाई हम आपके भरोसे लड़ रहे हैं, यह लड़ाई हम इस देश की आम आवाम के भरोसे लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में सिर्फ चुनाव हमारा एजेंडा नहीं है। चुनाव यदि हमारा एजेंडा होता तो आज जब टिकट का बंटवारा हो रहा है तब मैं भी पटना या दिल्ली में होता, मैं छौराही में नहीं होता। मेरे लिए राजनीति सिर्फ चुनावी एजेंडा नहीं है, क्योंकि सिर्फ चुनावी एजेंडा राजनीति उनके लिए होता है जिनको खुद पे भरोसा ना नहीं करता है। हमको खुद पे भरोसा है और यही बात हम आपको कहते हैं कि आप भी अपनी परवरिश पर भरोसा कीजिए, किसी सिफारिश से नहीं। हमारी माँ का कोख वीआईपी नहीं था, मेरी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, साधारण परिवार में पैदा हुए हैं, जिंदगी की जद्दोजहद को हम जानते हैं, गरीबी किताब में नहीं पढ़े हैं, गरीबी झेल करके आए हैं। हमारा बाप
प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं रहा है, आपकी तरह मजदूर रहा है। इसलिए हम जानते हैं कि मजदूर की मजदूरी किस तरीके से मारी जाती है, किसानों को उनके फसल का दाम किस तरीके से नहीं दिया जाता है, इंसान को उसका औकात देख करके कुर्सी दी जाती है और कुर्सी हटा दी जाती है, यह सच्चाई हमने अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए हम ये जानते हैं कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि लोकतंत्र को जिंदा यदि रखना है तो लोगों के सवाल को हमको जिंदा रखना पड़ेगा, और लोगों के सवाल को यदि हम जिंदा रखना चाहते हैं तो राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं होता है, राजनीति का मतलब जनता के हक और अधिकार के लिए संघर्ष भी होता है, उसी संघर्ष की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। और बेगूसराय जिले का जो गौरवशाली चमक है, उस चमक को पुनर्स्थापित करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। ये दो टूक वाला आज जब हम आपके सामने खड़े हैं तो हम सिर्फ सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं आए हैं, हमारे पास एजेंडा है कि हम किस तरीके से बेहतर काम कर सकते हैं। और हमारा एजेंडा ये है कि आज समाज में जिस तरीके को लोगों से आपस में बांटा जा रहा है, उस नफरत से हमको लड़ना है, और उस नफरत से लड़ने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि अपने लोगों से आपस में एक संबंध स्थापित किया जाए, और उस संबंध को स्थापित करने की पहल में, उस कोशिश में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि बेगूसराय के हर पंचायत में लोगों का समूह तैयार किया जाए, जो समूह अपनी मिट्टी से प्रेम करता है, अपने लोगों से प्यार करता है, उनके दुख तकलीफ को साझा करके उसको कम करके एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए। और अकेला अगर अपना बोझ लेकर के चलेंगे तो शायद थक जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को बोझ उठाने में यदि मदद करेंगे तो हम अपना कंधा बदल बदल करके किसी कंधे को थकने नहीं देंगे, ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे गांव में कोई ऐसा लड़का या लड़की है जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, बाहर किसी अच्छे संस्थान में उसका एडमिशन हो गया है, लेकिन उसके पिताजी और माता जी के पास भरने के लिए फीस नहीं है, हम आपस में मिल करके उसका फीस भर सकते हैं। वही अगर बीमार हो जाए, उस बीमार को यदि खून की जरूरत है, तो इस पंचायत के इंसान अगर बीमार हुए हैं तो दूसरे पंचायत से खून की व्यवस्था की जा सके, दूसरे पंचायत का कोई इंसान बीमार हुआ है तो इस पंचायत से खून की व्यवस्था की जा सके, ऐसे समाज में निर्माण, ऐसे तंत्र को निर्मित करने की भूमिका हमारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ आजादी के इतने साल बीत गए हैं, यह सवाल हम क्यों नहीं पूछ सकते हैं कि आज भी हम इलाज कराने के लिए दिल्ली क्यों जाएंगे, बेगूसराय में इलाज क्यों नहीं हो सकता है? यह सवाल हम क्यों नहीं पूछ सकते हैं कि अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज बेगूसराय जिला में क्यों नहीं स्थापित हो सकता है, अच्छा मेडिकल कॉलेज बेगूसराय जिला में क्यों नहीं स्थापित हो सकता है? और बेगूसराय के किसान जो अनाज पैदा करते हैं, उन अनाजों को संरक्षित करके, भंडारित करके, उसका प्रोसेसिंग करके, उससे उत्पाद तैयार करके हम आसपास के तमाम बाजारों में अपने सामान को क्यों नहीं भेज सकते हैं? लघु कुटीर और मध्यम उद्योगों का विकास क्यों नहीं कर सकते हैं? मान लीजिए यहाँ किसान गेहूँ उपजाते हैं और उस गेहूँ से हम बेकरी का चेन तैयार करें, हम फूड चेन तैयार करें कि यहाँ का बेकरी सिर्फ बेगूसराय जिले में नहीं, अगल बगल के तमाम जिलों में जाकर के बिके, नेपाल तक पहुँचे, आसाम और तक और मणिपुर तक जाकर के पहुँचे, ऐसी व्यवस्था हम क्यों नहीं कर सकते हैं? दिक्कत यह है कि राजनीति आज ज़्यादातर लोगों के लिए कैरियर बन गया है, राजनीति कैरियर नहीं, समाज बदलने का मुहिम होना चाहिए। और मुहिम की शुरुआत के लिए अगर सबसे ठोस जगह कोई हो सकती है तो वो बेगूसराय है, क्योंकि बेगूसराय हमारा घर है, इस मिट्टी में हम पैदा लिए हैं। सबसे ज्यादा जल्दी भरोसा यदि कोई कर सकते हैं तो बेगूसराय के लोग हमारे ऊपर कर सकते हैं। एक बार भरोसा करके देखिए, अपना आशीर्वाद देकर के देखिए, एक बेहतर बेगूसराय का निर्माण करेंगे, एक बेहतर बिहार का निर्माण करेंगे। इसी संकल्प के साथ हम आपके बीच में आए हैं, और जनसंवाद करने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप सामने से हमको देखिए, हम सामने से आपको देखें, और हमारे बीच का जो रिश्ता है वो मजबूत हो, और इस मजबूत रिश्ते के आधार पे एक मुकम्मल लड़ाई लड़ी जाए, और अंग्रेजों का अधूरा काम पूरा करने के लिए सरकार आई है, इस सरकार को अंग्रेजों की तरह ही गद्दी से उखाड़ कर फेंका जाए। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से
करके, भगत सिंह अस्पताल और चंद्रशेखर आजाद के रास्ते पे चल करके भारत के सपनों को पूरा किया जाए, इसी संकल्प को लेकर के हम आपके बीच आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए बात खत्म करूंगा कि हमारी अगर ईमानदारी से लड़ी गई तो यह लड़ाई हर हाल में जीती जाएगी। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।